यस वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे द डक एंड द कैंगरू। ठीक है, द डक एंड द कैंगरू एक बहुत ही अच्छी पोइम, बिल्कुल ह्यूमरस पोइम, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। और ये लिखी गई है एडवर्ड लेयर के द्वारा एक पोइम लिखी गई है, नॉनसेंस वर्स। अब देखिएगा, ये बिल्कुल हास्यास्पद या फिर कहें कि मजाकिया पोइम है, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। मैं लाइन टू लाइन आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपके अंग्रेजी स्ट्रांग हो। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं स्पोकन के, ग्रामर के और सभी क्लासेस के, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देखें, चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं द पोइम द डक एंड द कैंगरू। ठीक है, आप समझ लो डक का मतलब होता है बतख, कैंगरू जो एक जीव है। यह आप देख पा रहे हैं, ये है कैंगरू, ये है डक। इन दोनों की दोस्ती इसमें बताई गई है, हर एक लाइन को हम लोग समझेंगे और इन दोनों की दोस्ती और क्या इन दोनों में बातचीत होती है वो हम लोग समझने का प्रयास करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट हम लोग देखते हैं। सेड द डक टू द कैंगरू। अब डक जो है कैंगरू को कहता है, क्या कहता है? गुड ग्रेसियस हाउ यू हो। गुड ग्रेसियस कहने का मतलब कि उसकी तारीफ कर रहा है, एक जो डक है वो कैंगरू की तारीफ कर रहा है। हाउ यू होप, होप का मतलब होता है फुदुक फुदुक करके चलना, यानी उछलना कूदना। तो कैंगरू जब भी चलता है वो उछल उछल के चलता है। ठीक है, तो डक यहाँ कह रहा है कैंगरू को कि तुम कैसे चलते हो, तुम होप कैसे करते हो, उछल के कैसे चलते हो। ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, तुम तो फील्ड्स पे भी, यानी जो ज़मीन है उस पे भी तुम उछल के चलते हो और पानी में भी उछल के चलते हो, तो ये कैसे करते हो। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और ऐसा लगता है कि तुम रुकोगे नहीं, तुम कभी रुकोगे नहीं ऐसा लगता है, तो ऐसे तुम कैसे कर लेते हो। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड। तो देखो बोर का मतलब होता है बोरिंग होना, नहीं आनंद नहीं आना, मज़ा नहीं आना। ठीक है, माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नास्टी पॉन्ड। अब बतख यानी जो डक है जहाँ रह रहा है, जिस पॉन्ड पे रह रहा है, जिस तालाब में रह रहा है, उस तालाब के बारे में बोलता है नास्टी पॉन्ड, यानी गंदा खराब। ये पॉन्ड जो है, ये तालाब जो है काफ़ी गंदा है, ख़राब है, मुझे यहाँ पे मज़ा नहीं आता है, मुझे यहाँ पे बोरिंग लगता है। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मैं भी तुम्हारी तरह दुनिया घूमना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हारी तरफ इधर उधर जाना चाहता हूँ। आई विश आई कुड होप लाइक यू। अब यहाँ डक कहता है कैंगारू से कि मैं भी तुम्हारी तरह उछल कूद सकता। ठीक है, से द डक टू द कैंगारू। अब डक जो है यही बातें जो है कैंगारू को सब कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, ये रहा आपका दूसरा पार्ट सी। अब देखिए क्या होता है, फिर क्या कहता है, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। अब डक की ही ये बात यहाँ हो रही है, जो डक है वो कैंगरू को कहता है कि प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। अब राइड का गिव मी अ राइड, जैसे अब बाइक वगैरह चलाते हो, तो यहाँ कहने का मतलब डक जो है वो कहता है, उसके कहने का मतलब है कि गिव मी अ राइड, मुझे एक लिफ्ट दो, मीन्स टू से मुझे लिफ्ट दो, या मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ करके इधर उधर घूमूँ, तो मुझे एक राइड दो। से द डक टू द कैंगरू। डक जो है कैंगरू को यही बातें बताता है। आई वुड सीट क्वाइट स्टिल, मैं तुम्हारे ऊपर जो है बिल्कुल एकदम शांति से बैठूंगा। एंड से नथिंग बट क्वाक, और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, तुम्हारे ऊपर चुपचाप बैठूंगा, लेकिन एक बात बोलूंगा, क्वाक। अब क्वाक जो है वो डक का साउंड है, डक कैसे बोलता है, क्वाक क्वाक क्वाक, तो डक जो है डक का साउंड क्वाक है। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो, यानी पूरी दिन भर मैं बैठूंगा, मजा लूंगा और शांति से बैठूंगा, सिर्फ क्वाक क्वाक आवाज़ करूंगा। एंड वी वुड गो टू द दी एंड द जेली बोली, और हम लोग क्या करेंगे, ये एक तरह से स्लैंग है, कहने का एक तरीका है, डी एंड जेली बोली जो है कहने का तरीका है। स्लैंग का मतलब तो कोई बात आप अपने अंदाज में कहते हो उस तरह से। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, और फिर कहाँ जाएंगे, दिन भर मजा करेंगे, ओवर द लैंड यानी कि ज़मीन पे, एंड ओवर द सी यानी समंदर में भी, ज़मीन पे भी। प्लीज़ टेक मी अ राइड ओ डू, प्लीज़ मुझे एक राइड दो, यानी मुझे बैठा करके घुमाओ।
से द डक टू द कैंगरू, अ डक जो है यही बातें कैंगरू को बताता है। चलिए फिर हम लोग थर्ड पार्ट में देखते हैं। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, मज़ेदार ये कविता है। अब देखना, से द कैंगरू टू द डक। अब कैंगरू को जवाब यहाँ डक को मिलता है क्या? दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यहाँ कहने का मतलब है कि थोड़ी सी सोचना। जैसे डक कहता है कि हाँ ठीक है तुम जो कह रहे हो मैं मान लेता हूँ, लेकिन सम लिटिल रिफ्लेक्शन मुझे थोड़ा सा सोचने दो। परहैप्स ऑन द होल आई माइट ब्रिंग मी इट माइट ब्रिंग मी लक एंड देयर सिम्स बट वन ऑब्जेक्शन। कहता है कि जो कैंगरू कहता है डक को कि हाँ थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम है, या ऑब्जेक्शन का मतलब हो गया प्रॉब्लम, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है तुम जो कह रहे हो मैं मान लूँगा, थोड़ा सा मुझे सोचने दो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, यदि तुम मुझे कहने दोगे बड़ी हिम्मत से तो मैं बोलूँगा, ठीक है। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, मुझे कहना कि तुम्हारे जो पैर है ना वो अनप्लीजेंटली अच्छे नहीं है, वो तो भीगे हुए हैं और काफ़ी ठंडे हैं, ठीक है मुझे यही बात तुमको कहनी है। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रोमैटिस से द कैंगरू, अब वो जो है तुम्हारे पैर जो काफ़ी ख़राब हैं, भीगे हैं, ठंडे हैं, वो मुझे रूमैटिस कर देगा। इट मीन्स कि रूमैटिस का मतलब होता है कि जैसे गठिया में दर्द हो जाना, या फिर जो गांठ होते हैं शरीर में वहाँ पे दर्द होना, ताकि जो वेट और कोल्ड है उससे उसको प्रॉब्लम है, इसको कैंगरू को। चलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो कैसे मज़े से बैठा हुआ है डक कैंगरू के पीछे। सेड द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, अब डक कहता कि हाँ जैसे मैं बैठा था रॉक्स पे, रॉक का मतलब होता है पत्थर या चट्टान, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, हाँ मैंने उस पर ध्यान लगाया, उसको मैंने सोचा जो तुम कह रहे हो कि मेरे पैर जो हैं भीगे हैं और ठंडे हैं, उस पर मैंने पूरी तरह से सोचा। एंड आई बाउट फोर पेयर्स ऑफ वॉस्टेड सॉक्स, और मैंने जो है फोर पेयर जो हैं वॉस्टेड सॉक्स लाए हैं। वॉस्टेड सॉक्स का मतलब हो गया जो ऊनी कपड़े होते हैं, जिसके जो सॉक्स यानी मोजे बने रहते हैं ऊन के कपड़े के, तो वो मैंने लाया। विच फिट माई वेब फिट नीटली, और वो जो है सॉक्स मेरे पैर में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, बिल्कुल फिट हो जाएगा। वेब फिट का मतलब हो गया कि जैसे बतख के जो पंजे होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, लगता है जैसे मकड़ जाल जैसा, तो बोल रहा कि उस पर बहुत अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और ठंड से ठंड को दूर करने के लिए आई हैव बॉट अ क्लॉक। क्लॉक का मतलब हो गया यहाँ घड़ी नहीं, क्लॉक का मतलब हो गया जैसे कोई चादर वगैरह जो ओढ़ते हैं ठंडे के दिन में, तो वो तो डक वही कहता है कि मैं अपने साथ क्लॉक भी लाया हूँ। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और हर दिन मैं क्या करूँगा एक सिगार पीऊँगा। सिगार जो होता है जैसे सिगार जो होता है सिगरेट के आकार की होती है, लेकिन सिगरेट से बड़ी, वो भी स्मोकिंग करने की होती है, ठीक है। तो मैं अपने साथ सिगार भी लाया हूँ, उसे मैं पीऊँगा। ऑल टू फॉलो माई ऑन डियर ट्रू लव ऑफ ए कैंगरू, और मैं तुम्हारा फॉलो करूँगा, जैसे जैसे कहोगे वैसे वैसे करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे बैठा लो पीठ पे और राइड करवाओ। अब क्या होता है, से द कैंगरू आई एम रेडी, अब कैंगरू कहता है ठीक है भाई मैं तो तैयार हो गया। ऑल इन द मून लाइट पेल, और जब चांदनी रात है, पीली पीली चांदनी रात है, बट टू बैलेंस मी वेल, कहता है कि तुमको बैलेंस करना होगा, बिल्कुल बैलेंस करना होगा। डियर डक सीट स्टडी, एकदम स्थिर से बैठो और मुझे बैलेंस करो। देखो पूछ पे बैठा हुआ है यहाँ पे और कह रहा है कि तुम मुझे बैलेंस करना। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, तुम बिल्कुल मेरे पूछ के एकदम छोर पे बैठो और एकदम स्टीडी बैठो और बैलेंस करना। एंड सो अवे दे वेंट विथ अ होप एंड अ बाउंस, और फिर दोनों दोस्त जो हैं वो होप करने लगे और चले गए। इट मीन्स कि वो कुदक कुदक के चले। एंड दे होप द होल वर्ल्ड थ्री टाइम्स राउंड, और उन दोनों ने मिल करके पूरी दुनिया का चक्कर जो है तीन बार लगाया, ठीक है तीन बार दुनिया का चक्कर लगाया।
मज़ा आ रहा ना पोइम में, इसलिए कहा गया ह्यूमरस पोइम। एंड सो एंड हु सो हैप्पी ओ हु। अब कहता है कि अब जरा आप ही से मैं सवाल करता हूँ कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा, एज द डक एंड द कैंगरू, डक या कैंगरू, आप बताना कमेंट करके ज़रूर। मुझे तो लगता है डक ज़्यादा खुश होगा, क्यों, क्योंकि उसे सिर्फ बैठना है और कंगारू को तो उछलना है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम डक को भी होगी क्योंकि उसे तो बैलेंस भी करना है, क्योंकि पूछ के एकदम छोर पे बैठा हुआ है। तो ये रही आपकी बहुत ही शानदार पोएम द डक एंड द कैंगरू। तो ये पोएम आपको कैसे लगी ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।